हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संदीप कुमार सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो लोग मेडिकल स्टोर रन कर रहे हैं, अपने मेडिकल स्टोर के अंदर एक चैम्बर क्रिएट करके वहां पे डॉक्टर को कैसे बैठाएं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या किया जाता है जिसके थ्रू ये काम हो जाता है, ठीक है, उसका बारे में बताऊँगा कैसे आप इस काम को कर सकते हैं। देखिए, अपने मेडिकल स्टोर के अंदर फ्रेंड डॉक्टर को बैठाना एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिसके थ्रू ना बहुत जल्दी से हम सेल को बूस्ट कर ले जाते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस डॉक्टर को आप बैठाने जा रहे हैं ना, उसका कुछ ना कुछ थोड़ा रेपुटेशन होना चाहिए। ऐसे ही किसी भी डॉक्टर को बैठाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मार्केटिंग बहुत करनी पड़ेगी, तो आपका मार्केटिंग कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं, बाकी इसमें बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर बैठाने के लिए क्राइटेरिया क्या, सिस्टम क्या होता, क्या करना होता है। देखिए, अगर आपको किसी भी डॉक्टर को बैठाना होता तो उसके लिए पहले आपको अपने मेडिकल स्टोर के अंदर एक चैम्बर क्रिएट करना होता है, डॉक्टर चैम्बर क्रिएट करना होता है। इस डॉक्टर चैम्बर को क्रिएट करने के लिए फ्रेंड आपको किसी गवर्नमेंट की अथोराइजेशन की जरूरत नहीं होती, कोई सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं। बस आपके मेडिकल स्टोर के अंदर अगल बगल आजू बाजू में जहां आप बैठाना चाहते हैं वहां पे एक स्पेस होना चाहिए, तो वो स्पेस के अंदर आप डॉक्टर चैम्बर को डिजाइन करेंगे। डॉक्टर भाई, सिंपल सी बात है, डॉक्टर चैम्बर रहेगा, टेबल रहेगा, चेयर रहेगा, एसी चाहिए, थोड़ा डेंट पेंट चाहिए, प्लस पेशेंट के लिए वेटिंग एरिया चाहिए और पेशेंट जाके डॉक्टर के पास बैठेगा उतना सफिशियंट स्पेस होना चाहिए, ठीक है। इतनी व्यवस्था तो आपको डॉक्टर के लिए करना पड़ेगा। अब डॉक्टर को बैठाने के लिए क्या पैसा देना पड़ता है, नहीं, ये अलग अलग सिस्टम होता, मेडिकल स्टोर के मालिक एंड डॉक्टर के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये काम होता है। भाई, डॉक्टर को भी एक चैम्बर की जरूरत पड़ती है बैठने के लिए, अभी वो सारी चीजों को बनाएगा, एक अच्छे लोकेशन पे इसको क्रिएट करेगा, तो उसका मंथली रेंट जाएगा, बनाने में पहली बार जल्दी मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो वहां पे कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा। डॉक्टर क्या सोचता है, इन सब झंझट में कौन से पड़े, चलो कहीं मेडिकल स्टोर या कहीं पे हम बैठ जाते हैं, मुझे क्या, मुझे ओपीडी करना है, मुझे ओपीडी में फीस से मतलब है, और जो अब पेशेंट को मेडिसिन भी इजिली मिल जाएगी, पेशेंट को इधर उधर परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, तो दोनों लोगों का काम हो जाएगा, डॉक्टर का भी काम हो जाता है और मेडिकल स्टोर वाले का भी काम होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम चैम्बर बना के दे रहे हैं तो इसलिए डॉक्टर को मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये होता है, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, सर मैंने चैम्बर क्रिएट किया है, आप अगर एक दो घंटे यहाँ पे टाइम दे दें तो सर यहाँ पे काफी अच्छा पेशेंट, मतलब आपको बैकग्राउंड थोड़ा क्रिएट करके बताना पड़ता है कि सर यहाँ पे ना स्पेस स्कोप काफी अच्छा है, अगर आप बैठेंगे तो आपको भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा, पेशेंट काफी आते हैं सर यहाँ पे पूछते हैं, तो इस तरह से आपको बैकग्राउंड क्रिएट करके डॉक्टर को कन्विंस करना पड़ेगा। डॉक्टर कन्विंस हो गया, आपका काम हो गया, राइट। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे कंडीशन में क्या होता है, कई बार डॉक्टर पैसा लेता है पर पेशेंट, जितना पेशेंट आएगा, क्योंकि वो बिजनेस देता है आपको, आप मेडिसिन सेल करते हैं उसके अंदर प्रॉफिट ले आता है, तो वो कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, ऐसा केस बहुत ही कम होता है कि डॉक्टर आपके चैम्बर में आके बैठ रहा है और आपसे पर पेशेंट कुछ 100-250 रुपये आपसे पैसा ले रहा है, लेकिन हाँ ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम है। दूसरा केस क्या है कि मेडिकल स्टोर में बैठने के लिए डॉक्टर पैसा देता है, ऐसा भी केस होता है, लेकिन ऐसे भी केस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं फ्रेंड, बहुत ही कम केस ऐसा होता है कि जहां डॉक्टर बैठने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर की मजबूरी ज़्यादा है कि आपकी मजबूरी ज़्यादा है, उस दोनों का डॉक्टर की मजबूरी कहीं मिल नहीं रहा है, और किसी केमिस्ट के यहाँ उसको जुगाड़ बैठ सकता है, तो उसने बोला चलो यार मुझे ज़रा केबिन उबिन बनवा दो, मैं तुम्हें 2-4 रुपये बैठने का रेंट महीने का 2,000-3,000-4,000 रुपये दे दिया करूँगा, कहीं उसका काम नहीं बना तो इस तरह वो बोल सकता है। अभी मेडिकल स्टोर भी चल नहीं रहा, उसकी भी फंसी पड़ी है, वो सोच रहा किसी डॉक्टर को बैठा दूं, चलो ठीक है कुछ पैसा ही देना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, डॉक्टर की वजह से पेशेंट आएंगे जिसकी वजह से मेरा मेडिकल स्टोर चल पड़ेगा, तो ये दो फंसी है, जिसकी फंसी है फिर उसको देना पड़ता है, ये वाली बात होती है। बट मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप उसके लिए भाई एक चैम्बर प्रिपेयर करके दे रहे हैं, एक स्पेस प्रिपेयर करके दे रहे हैं, जिससे डॉक्टर का भी फायदा हो रहा है, डॉक्टर को सारी चीजें बनानी नहीं पड़ रही, कोई रेंट नहीं पे करना पड़ रहा है, फ्री में आके बैठ रहा है, और प्लस मार्केटिंग भी नहीं करना पड़ रहा, आप ही उसकी मार्केटिंग भी कर दे रहे हैं, उसका सारा काम कर दे रहे हैं, बस वो आ रहा है, पेशेंट देख रहा है, चला जा रहा है, तो उसको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और आपको बैठे बिठाए धंधा मिल जा रहा है कि चलो डॉक्टर आता है, जितनी देर 10 पेशेंट 15 पेशेंट 20 पेशेंट देखता है, उन सबका पर्चा कहीं और नहीं जाएगा, आपके पास ही प्रिस्क्रिप्शन आएगा और उस मेडिसिन को आप सेल कर पाते हैं। भाई आज के टाइम पे एक जनरल फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन को भी देखें तो 500-1,000 रुपये का प्रिस्क्रिप्शन सभी को हो जाता है, मेडिसिन इतनी महंगी तो है ही है, और एमडी डॉक्टर को अगर हमने बैठा लिया, कंसल्टेंट को बैठा लिया, गायनी को बैठा लिया, शायद वो पर्चा 2,000 तक पहुंच जाता है, राइट। तो 10 पेशेंट भी देखा, चलो 10,000 का बिजनेस हमको देके चला गया डॉक्टर सिर्फ 2 घंटे के अंदर, और पेशेंट की डॉक्टर की ओपीडी बढ़ती गई, उसका
उसकी प्रैक्टिस अच्छी थी, हाथ में थोड़ा उसके पकड़ था, ठीक है, अच्छी मेडिसिन देता था, डायग्नोस उसका अच्छा है, तो पेशेंट धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे, तो 20-30-40 पेशेंट भी देखने लगा, तो आपको आपकी मेडिसिन की आपके मेडिकल स्टोर की क्या होगी, निकल पड़ेगी, बहुत ज़बरदस्त सेल हो जाएगी, अच्छा खासा आप सेल कर ले जाएंगे, डॉक्टर आएगा 2-3 घंटा बैठेगा, उतने देर में 20-25,000, 30,000, 40,000 या 50,000 का सेल देके आपको चला जाएगा। तो डिपेंड करता है डॉक्टर की ओपीडी के ऊपर, खैर ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपके और डॉक्टर के बीच में, इसके लिए कोई आपको लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती कहीं से। अब बस मेरा एडवाइस यहाँ पे यही रहेगा, आप यहाँ पे इस तरह से डॉक्टर बैठाते हैं अपने डॉक्टर मेडिकल स्टोर के अंदर ना, यहीं पे पैथोलॉजी की फैसिलिटी और दे दीजिए, आप पैथोलॉजी का कलेक्शन सेंटर ओपन कर लीजिए। हाँ, इसके लिए भी आपको किसी गवर्नमेंट अथोराइजेशन, सर्टिफिकेट, कुछ नियम कानून, किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप एक कलेक्शन सेंटर ओपन कर रहे हैं, मतलब ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, टेस्ट नहीं कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, लैब में जा रहा है, टेस्ट हो रहा है। तो आप किसी भी स्टेट लेवल की जो पैथोलॉजी होती है उनके साथ टाई अप कर लीजिए, तो आपको यहाँ भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पैथोलॉजी टेस्टिंग में ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट। CBC देखो कितने का आता है, CBC के 250-300 रुपये का टेस्ट आता है। अब किसी स्टेट लेवल की फार्मेसी के साथ आप कनेक्ट होते हैं, कितने कॉस्ट करता है, 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये मैक्सिमम बस। अब 25 रुपये का टेस्ट आपको कॉस्ट कर रहा है, लेकिन कस्टमर को आप 250 रुपये में बेच रहे हैं, 300 रुपये में बेच रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मार्जिन डिफरेंस है पैथोलॉजी में, ठीक है। तो बहुत आराम से क्या है, पैथोलॉजी सेंटर भी आप रन कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर बैठेगा तो उसको ब्लड टेस्ट कराने ही पड़ेंगे, सैंपलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल तो वैसे भी ब्लड टेस्ट एक जैसे ट्रेंड सा हो गया है बिना उसके, क्योंकि इतनी ढेर सारी बीमारियां हो गई हैं, कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो ब्लड टेस्ट कराना ही पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को ब्लड टेस्ट किए बिना पता ही नहीं चल पाता, श्योर ही नहीं हो पाता, मुझे डेंगू है कि मुझे जॉइंडिस है कि मुझे टाइफाइड हो, वैसे कन्फ्यूजन होता है, तो टेस्ट करा देता, टेस्ट लिख देता है, क्लियर हो जाता है और राइट मेडिसिन चल जाती है। तो टेस्टिंग खूब होती है, तब मेडिकल स्टोर से भी आपको प्रॉफिट आ जाएगा, पैथोलॉजी से भी आ जाएगा, और डॉक्टर आप बैठाते हैं तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था तरीका जिसके थ्रू हम किसी डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं। इसमें मेन चीज़ होती है डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना, डॉक्टर से जाके बात करना, डॉक्टर से अप्रोच करना, ये थोड़ा सा टफ प्रोसीजर होता है, जाके बात करना पड़ता है, उनको थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है, सर बैठिए 2 घंटे दीजिए। हाँ, एक काम आप और भी कर सकते हैं, ऐसा चाहें 2-3 डॉक्टर बैठा सकते हैं, सुबह कोई और डॉक्टर बैठता है, दोपहर में कोई और, शाम को कोई और, दो घंटा करके ऐसे बैठ सकते हैं, या हफ्ते में 3 दिन कोई और डॉक्टर बैठता है, फिर 3 दिन कोई और डॉक्टर बैठता है, या वीक में 3 डॉक्टर बैठाई, 2 दिन कोई और, 2 दिन कोई और, 2 दिन कोई और, संडे को कोई और, 3-4 डॉक्टर बैठा सकते हैं, आपकी इच्छा है। जैसे आपकी डॉक्टर के साथ बॉन्डिंग हो जाए, जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उस तरह आप डॉक्टर को कन्विंस कर सकते हैं अपने मेडिकल स्टोर के अंदर बैठने के लिए, ठीक है। इससे डेफिनेट सी बात है आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और अचानक मेडिकल स्टोर के सेल में बूस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो लोग मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं फ्रेंड, मेरा एक मेडिकल स्टोर के हाउ टू स्टार्ट अ मेडिकल स्टोर करके एक बुक है, ठीक है, मेडिकल स्टोर स्टार्टअप गाइड जिसको बोलते हैं, उसमें मैंने प्रोडक्ट लिस्ट भी दिया, कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कि जब आप मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो उसमें रखनी चाहिए, GST कैसे लिया जाता है, DL कैसे लिया, A to Z सारा प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है। तो उसको परचेज करने के बाद बहुत ईजिली ना मेडिकल स्टोर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल डिस्काउंट चल रहा है 500, तो आप अभी परचेज कर सकते हैं 500 रुपीज में, नहीं तो बाद में इसका रेट बढ़ जाएगा। बीच पहले मैंने बढ़ाया था रेट, अभी फिर मैंने रिड्यूस किया है कोविड की वजह से, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेडिकल स्टोर या फार्मेसी। तो अगर आप फार्मेसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ले लीजिए इस बुक को, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।